आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए, उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। अगर से न्याय नहीं मिलता है तो हम सब किन्नर समुदाय मिलके पूरे भारत में जितने किन्नर है सब जगह संदेश पहुंचाएगा, जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम पूरे प्रशासन के विरोध में हम सब बयान देंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में इंसाफ के लिए अब किन्नरों ने भी आवाज बुलंद की है। आकांक्षा दुबे की मां को लेकर किन्नर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची और न्याय की फरियाद लगाई। आकांक्षा दुबे की मां के साथ किन्नरों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, सुनिए। समर सिंह सबसे बड़ा आरोपी है और आकांक्षा दुबे का शोषण करता था और उसको प्रताड़ित करता था, उसको कैद करके रखा था। बेचारी अपनी गुहार कह रही थी और वो अपना बयान भी दे रही वीडियो पे कि कुछ हमें होता है तो जिम्मेदार समर सिंह है। तो समर सिंह के क्यों नहीं एक्शन लिया और एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जितने वो उसमें सरगना में जो लोग फरार हैं, जो लोग साथ में मिले, जिसने होटल छोड़ा, जिसने वहाँ पे लोग मौजूद थे, वो लोग फरार हैं। समर सिंह के लिए हम चाहते हैं कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए, उनकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। अगर से न्याय नहीं मिलता है तो हम सब किन्नर समुदाय मिलके पूरे भारत में जितने किन्नर हैं सब जगह संदेश पहुंचाएगा, जगह जगह हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिलना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम पूरे प्रशासन के विरोध में हम सब बयान देंगे। इसलिए कि अभी तक बिटिया को ना न्याय मिला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई तक अभी कोई ऐसी चीजें नहीं आई हैं कि लोग आरोपी जो अभी जो लोग फरार हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं, तो हम सब की समुदाय मिलके हम इस माँ के साथ हैं। आकांक्षा दुबे की माँ ने भी इस दौरान खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि आखिर किन्नरों का समर्थन उन्हें कैसे मिला, साथ ही बताया कहाँ तक पहुँचा है केस। आज मैं किन्नर समुदाय के साथ आई थी सीपीसी ऑफिस, उनसे ये पूछने के लिए कि मेरी लड़की को न्याय कब मिलेगा और मेरी लड़की का फॉरेंसिक रिपोर्ट और बिस्रा रिपोर्ट और मोबाइल, अभी तक ना बिस्रा रिपोर्ट आया ना फॉरेंसिक रिपोर्ट आया ना तो मोबाइल अभी तक मेरी लड़की का खुला है, जबकि एक महीने फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जानी चाहिए, बिस्रा रिपोर्ट आ जाना, 2 महीना 25 तारीख को 2 महीना हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं आया मेरे पास, ना मोबाइल खुली है। तो वही मैं पूछने गया कि भाई मेरी नहीं अगर मोबाइल खुल रही है तो मोबाइल मेरी लड़की की मेरे हाथ में दी जाए, मेरी लड़की का मोबाइल मेरे हाथ में दी जाए और फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट भी उसकी भी मुझे दी जाए, उसमें क्या या क्या नहीं उसकी भी अच्छे से जांच मुझे दिखाई जाए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है यहाँ के प्रशासन के ऊपर, मुझे सारनाथ प्रशासन पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। आश्वासन मुझे दिए, बोले हाँ न्याय मिलेगा, मैं जांच कर रहा हूँ, बस यही, ये तो हर बार मुझे यही बोलते हैं, हाँ हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, न्याय मिलेगा, बोलते अरे खुदकुशी है, कैसे आप लोग बोल रहे खुदकुशी है, कैसे बोल दे खुदकुशी है, मेरी लड़की का हत्या हुआ है, हत्या की गई, कोई बैठ के बेड पे खुदकुशी करेगा, अब क्यों खुदकुशी करेगी, जब दुख तकलीफ मुसीबत काट के जब इतने ऊंचाई पहुंची तब जब दुख काटी तब तो नहीं करी, आज जो मुकाम हासिल वो मुकाम पे पहुंचे तो आत्महत्या कर लेगी, वो पार्टी करके एंजॉय करके कोई आत्महत्या कर लेगा, मारी गई है मेरी लड़की, मेरी लड़की को समर सिंह ने और संजय सिंह, संदीप सिंह, अनुराधा, संजय, अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, होटल मैनेजर, इसमें सब मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं, सब ये लोग मिलकर मेरी लड़की को मारे। बता दें कि कुलस्ता एकता किन्नर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान किन्नर अपनी टीम के साथियों के साथ और आकांक्षा दुबे की मां के साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र सौंपा है, साथ ही हत्या की धाराएं तरमीम कर विवेचना की अपील की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हत्या की विवेचना नहीं की गई तो धरना करेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।